राइफलमैन चिंता बहादुर अपने नाम की तरह ही बहादुर था। 1944 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो वह गोरखा राइफल का हिस्सा थे। अपनी यूनिट के साथ अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। तब के बर्मा यानी आज के म्यांमार में जंग जारी थी। इस मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान ही चिंता बहादुर लापता हो गए। उनकी गोरखा यूनिट ने उन्हें बहुत ढूंढा। 2 दिन तक उन सब जगहों पर देखा गया जहां चिंता बहादुर हो सकते थे, लेकिन गोरखा यूनिट को अपना साथी नहीं मिला। उसी दौरान एक भेड़ उनकी यूनिट में आई। जहां जहां यूनिट जाती वहां वहां वह भेड़ भी साथ चलता। चिंता बहादुर के साथियों ने मान लिया कि यही उनका साथी है और तब से यानी 1944 से चिंता बहादुर गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा है, यानी उस भेड़ के रूप में। चिंता बहादुर की यूनिट 5/5 गोरखा राइफल अभी हिमाचल प्रदेश के डगसाई में तैनात है। अपनी यूनिट के साथ चिंता बहादुर भी यहीं पर तैनात है। इस समय नायक रैंक पर हैं। उनकी यूनिट का रंग उनकी सींगों पर खूब जचता है। भारतीय सेना की 5/5 गोरखा राइफल के लोग मानते हैं कि वह भेड़ उनके साथी सैनिक चिंता बहादुर का अवतार है, जो उनके लापता होने के बाद यूनिट में आई है। 1944 में राइफल मैन रैंक पर रहे चिंता बहादुर का प्रमोशन भी होता है। इस वक्त वह नायक की रैंक पर है। यह नर भेड़ यूनिट के किसी भी सैनिक की तरह सुबह पीटी यानी फिजिकल ट्रेनिंग में शामिल भी होता है और औपचारिक सेरेमनी का हिस्सा भी बनता है। जिस तरह हर यूनिट का अपना कलर होता है और हर सैनिक की उससे पहचान होती है, उसी तरह चिंता बहादुर की सींगों को भी यूनिट के कलर हरे और काले रंग से पेंट किया गया है। पूरी यूनिट अपने इस साथी का ख्याल रखती है। अब तो यूनिट चिंता बहादुर को अपना लकी मस्केट भी मानती है। भारतीय सेना के इस यूनिट के एक अधिकारी ने बताया है कि भेड़ की लाइफ 8 से 10 साल की होती है। उसी हिसाब से चिंता बहादुर राइफल मैन से अधिकतम हवलदार के रैंक तक प्रमोशन पाता है। एक भेड़ का जीवन पूरा होने पर यूनिट दूसरा नर भेड़ लाती है और वह दूसरा नर भेड़ चिंता बहादुर बन जाता है और यही सिलसिला लगातार जारी है। चिंता बहादुर को इसी साल 23 जून को लायंस नायक से नायक रैंक में प्रमोशन मिला है। यह दिन 5/5 गोरखा राइफल का बैटल ऑनर डे है। 1944 में इस दिन इस रेजिमेंट को 2 जाबाजों को बर्मा ऑपरेशन में बहादुरी के लिए विक्टोरिया क्रॉस मिला था। 5/5 गोरखा राइफल का नाम पहले 3/6 गोरखा राइफल था, जब यह 1 अक्टूबर 1940 में बनी थी। बाद में 1 जनवरी 1948 को इसका नाम 5/5 गोरखा राइफल हो गया। भारतीय सेना में गोरखा के 7 रेजिमेंट हैं। आजादी के वक्त 10 गोरखा रेजिमेंट थी। उनका भारत और ब्रिटेन के बीच बंटवारा हुआ। 6 भारत के हिस्से आई और 3 ब्रिटेन के, बाकी 1 रेजिमेंट डिसबैंड कर दी गई। आजादी के बाद भारतीय सेना ने एक और गोरखा रेजिमेंट बनाई। दोस्तों, गोरखा के बारे में कौन नहीं जानता। मौत का दूसरा नाम गोरखा रेजिमेंट, जय महाकाली आयो गोरखाली के नारे के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ने वाली भारतीय सेना की सबसे खूंखार रेजिमेंट है, जिनके शौर्य और बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में सुनाए जाते हैं। बीते कुछ दिनों से गोरखा रेजिमेंट चर्चा में है। वजह है अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत होने वाली भर्ती। गोरखा रेजिमेंट की भर्ती में 2/3 नेपाली सैनिकों को लिया जाता है और 1/3 भारतीय सैनिकों को। हर साल गोरखा रेजिमेंट डिपो गोरखपुर और गोरखा रेजिमेंट डिपो दार्जिलिंग की ओर से नेपाल में इसके लिए भर्ती रैली आयोजित की जाती है। यूं तो पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी की मिसालें दी जाती है, लेकिन इसमें भी अलग अलग रेजिमेंट का अपना महत्व है, जिसमें सबसे ज्यादा गोरखा रेजिमेंट का जिक्र होता है। यह भारत की एक ऐसी रेजिमेंट है जिससे न सिर्फ दुश्मन की सेना बल्कि भारतीय सेना की दूसरी रेजिमेंट में गोरखा की बहादुरी की मिसालें दी जाती हैं। आज से ही नहीं बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त से गोरखा की बहादुरी और उनकी रणनीति से दुनिया भर की सेनाएं खौफ खाती हैं। दूसरे विश्व युद्ध में जिस तरह से जर्मन सेना पर गोरखा ने कहर बरपाया था, उसे देखकर खुद हिटलर भी दंग रह गया था। उसने गोरखा की बहादुरी को देखकर कहा था कि गोरखा दुनिया की सबसे बहादुर रेजिमेंट है। लेकिन दोस्तों, इसी गोरखा रेजिमेंट के चिंता बहादुर की भेड़ बनने की कहानी का लोग खूब मजाक उड़ाते हैं, खास करके चीनी और पाकिस्तानी। चीनियों और पाकिस्तानियों को तो यह एक अंधविश्वास लगता है, लेकिन उनको क्या पता है कि हमारे देश में एक सैनिक ऐसे भी हैं जो मरने के बाद भी बॉर्डर की हिफाजत करते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यह जो भेड़ है, क्या वो गोरखा चिंता बहादुर ही है? क्या लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको भी लगता है कि यह चिंता बहादुर ही है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी कल की वीडियो को आप मिस ना कर सकें।